हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे से बनने वाला बहुत ही हेल्दी नमकीन, जो बच्चों को बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि मैदा आजकल नुकसान करता है। तो सबसे पहले यहाँ हम एक कटोरी आटा लिए हैं, उसमें अजवाइन लेंगे जिसको हम हाथों पर रगड़ के ऐसे डाल देंगे। बहुत ही ईजिली बन जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। इसमें हम नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। यहाँ हम घी लिए हैं, वो डालेंगे मोयन के लिए, और इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। यहाँ कप में लगा था तो उसको हम ले रहे हैं आटे के साथ, क्योंकि वे फालतू जाएगा, इसलिए घी को हम अच्छे से निकाल लेंगे। यहाँ हम अच्छे से मिलाएंगे आटे और घी को मोयन के। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसको मिला लेना है। ये बहुत ही क्रिस्पी बन के नमकीन तैयार होता है। साथ में फ़ायदेमंद प्लस पॉइंट ये है कि ये आटे से है, आटे का बनता है। ये देखिए, जब तक ये लड्डू ऐसे ना बनने लगे इतना ही हमें घी डालना है ताकि ये लड्डू की तरह बनने लगे हाथों में मुट्ठी बनाने पे। उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त आटा लगाएंगे, एकदम सख्त। ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा सा लेंगे ज़रा सा छिड़काव टाइप का, और इसका सख्त आटा तैयार करेंगे। आप कभी भी आटा लगाओ तो दोनों हाथ मतलब उसमें लगा दीजिए। जैसे हम एक ही हाथ से आटा बना रहे हैं, लेकिन दूसरा हाथ भी थोड़ा सा हम लगा देंगे, मतलब आटे को छू लेंगे दूसरे हाथ से भी, ताकि दोनों हाथ से आटा गूंथा जाता है, एक हाथ से आटा नहीं बनाया जाता है। एक हाथ से आटा नहीं बनाया जाता है, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो आप बेशक एक हाथ से आटा लगाए, लेकिन दूसरा हाथ भी थोड़ा सा लगा दीजिए, मतलब छू लीजिए दूसरे हाथ से, तो दोनों हाथ माना जाएगा। और जब आटा लग जाए, आटा लगाने के बाद उस पर उंगलियों का निशान ज़रूर लगा दे, जैसे हम लोग आटा लगा के उंगली का निशान लगा के उसको छोड़ देते हैं। नहीं तो बोला जाता है कि उंगली के निशान नहीं लगाने पर वो जैसे वो होता है ना पिंड की पिंड का आकार ले लेता है, जैसे पिंडदान होता है ना, वो बोल दिया जाता है, इसलिए आप उसमें उंगली का निशान ज़रूर लगाएं। इसका हम एकदम सख्त आटा लगाएंगे। ये देखिए, कैमरा हमारा ज़्यादा नीचे हो गया था, दिख नहीं रहा था, दिखा रहे थे, सख्त है। ये देखिए, आटा लगाने के बाद यहाँ हम स्लैब पे ही बेल लेंगे। आप चकले पे भी बेल सकते हैं, लेकिन हम मेरे पास टाइम नहीं था, बाबू सोए थे, इसलिए वो उठ जाता तो फिर हल्ला मचाता। एक ही बार हम ऐसे बेल लेंगे अच्छे से। आप स्लैब को साफ़ कर लो, उसके बाद ऐसे बेल ले थोड़ा सा आटा लगा लगा के। आप जितना पतला बेल सकते हैं आप बेलिए, जितना पतला बेलेंगे उतना अच्छा बनेगा। आपको जैसे इजी लगे वैसे बेलिए, चकले पे बेलिए, इस पे बेलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो इस पे बेल लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा बेलना था। ये देखिए, आप जितना पतला बेल सकते हैं बेलिए। बस एक ही बार इसमें आटा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी सूखा, क्योंकि इतना सख्त ही है कि नहीं चिपकेगा। ये देखिए,
बिल्कुल पतला बेलिए। हम तो कितना पतला बेलने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी थोड़ा सा मोटा हो ही गया। हमें लग रहा था कि जरा सा मोटा हो गया है, लेकिन अब जितना पतला बेलेंगे उतना अच्छा बनेगा। तब बेफिक्र होकर पतला बेलिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा और बेल लेते हैं। अगर आप चकले भी बनाना चाहते हैं या फिर बनाते हैं तो आप छोटा छोटा लोई लेके चकले भी बेल लीजिए। हम जैसे कि बताया कि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए हम एक ही बार में बेल दिए सारा। ये देखिए इसको चाकू की सहायता से लंबा लंबा पतला पतला काट लेंगे। और हमारे वीडियो में कोई भी गलती हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम अगली बार से उसे सुधारें। आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ऐसे तो हमें पता लगेगा ही नहीं। तो आप ज़रूर कमेंट करिए, और जो रेसिपी बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट करिए, तो हम ज़रूर लेकर आएंगे। ऐसे चाकू की सहायता से हम छुड़ा लेंगे। आप चिपकने से मत डरिए, क्योंकि वो छूट जाएगा जब तेल में जाएगा। तो आप ऐसे बिल्कुल ऐसे छुड़ा लीजिए सारे को। देखिए थोड़ा सा मोटा लग रहा है ना, बहुत ही कोशिश किए थे पतला बेलने की, लेकिन नहीं हो पाया। मतलब ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप जितना पतला बेलेंगे उतना अच्छा बनेगा, बात ये है। देखिए इसको हम बिल्कुल ऐसे ही छुड़ा लेंगे। अब इसको हम प्लेट में रख लेंगे सारे को। ये देखिए अब चलिए चलते हैं इसको तलने। ये देखिए यहाँ हम पैन बैठाए हैं। अगर कम तेल में ज़्यादा तलना है तो आप ऐसे ही चौड़ा लीजिए। हमें तेल थोड़ा सा कम लगा, इसलिए हम थोड़ा और तेल डाल रहे हैं इस पर। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो यहाँ हमारा तेल गर्म है। आप हाई फ्लेम पे ना तले, लो टू मीडियम फ्लेम पे तलना है इसको, तभी ये क्रिस्पी होगा। तो यहाँ हम एक एक करके डाल देंगे। नहीं देखिए बिल्कुल ऐसे ही। इसको हम पलट पलट के तेल में नाचने देंगे। तो इसको हम अच्छे से पलट पलट के तेल में नाचने देंगे, जब तक ये क्रिस्पी ना हो लाल। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे।
यहाँ देखिए ये लाल होने लगा, तो आप ऐसे ही एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे तलिए। हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ये पक जाएगा लेकिन क्रिस्पी नहीं होगा, बाहर से पक जाएगा अंदर से वैसे ही रहेगा। तो यहाँ हमारा तैयार है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोबारा भी हम एक ऐसे ही डाल लेंगे और इसको भी तल के अच्छे से हम निकाल लेंगे। यहाँ हमारा आटे का नमकीन तैयार है, तो ये देखिए कैसी आवाज़ आ रही है, आपको पता लगता होगा क्रिस्पी है, तो आप ज़रूर ट्राई करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।